यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा धर्मनगरी के पीडीआरसी गांव पहुंचे। आपको बता दें कि 22 मई को अज्ञात लोगों ने दो युवकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस मौके पर हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, साथ ही हुड्डा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर भी निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि जिन लोगों की राजनीतिक सोच शून्य हो गई हो, इन पर क्या बोला जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण व दर्दनायक जो हुआ है यहाँ पे कांड, उससे कानून व्यवस्था का लगता है, पहले भी कहा कुछ या और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को, और यहाँ पे किस कांड का सवाल है अभी तक कोई पता नहीं लगा। SIT बनानी चाहिए और तुरंत जो कातिल हैं उनको पकड़ना चाहिए, और जिनकी भेड़ गई, ये नहीं जो बेचारे उनकी जान भी गई और 5-6 परिवारों की भेड़ भी थी, उनको भी प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। और जिनकी जान गई है और एक आदमी अस्पताल में है, तो उनकी जगह नौकरी कोई ना कोई देनी चाहिए ताकि रोजगार का इनका बना रहे, और कंपनसेशन और अच्छा देना चाहिए। 4 लाख जो है कंपनसेशन ना काफ़ी है।